जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ऐसा कहना है विश्व के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिन्होंने हमारे युग को इतना विकसित और डिजिटल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह अपने सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए विख्यात हैं। इस फॉर्मूले का उपयोग मुख्यतः एटॉमिक बम बनाने में किया जाता है, जिसके लिए उन्हें फिजिक्स के नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आइए हम उनके बचपन में चलकर उन्हें अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के यूम शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टाइन था, जो कि एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे, उस समय उनका सर उनकी शरीर के हिसाब से काफी बड़ा था। शुरू से ही वह अन्य छोटे बच्चों से अलग थे। वह छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल भी शरारते नहीं किया करते और एकदम शांत तरीके से रहते थे। दोस्तों, बच्चे पैदा होने के बाद अक्सर एक या फिर 1.5 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्होंने बोलने में 4 साल लगा दिया था और करीब 9 साल तक अच्छे से नहीं बोल पाते थे, जिससे उनके माता पिता को उनके भविष्य की चिंता होने लगी थी। आइंस्टाइन को अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी कहीं अलग ही दुनिया बना रखी थी। उन्हें हमेशा संडे का इंतजार रहता था, क्योंकि उनके पापा उन्हें हर संडे किसी शांत जगह पर घुमाने ले जाते थे और वहां बैठकर आइंस्टाइन पेड़ पौधों और इस ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में हमेशा यह बात रहती थी कि आखिर यह दुनिया चलती कैसे है। अपनी शारीरिक कमियों और न बोल पाने की वजह से उन्होंने स्कूल जाना बहुत लेट स्टार्ट किया। उन्हें स्कूल एक जेल की तरह लगता था। उनका मानना था कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां कोई भी आजाद नहीं है। इस सोच के पीछे एक कारण भी था। वह अपने टीचर्स की बताई हुई बातों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि टीचर्स द्वारा पढ़ाई हुई चीजें अभी भी अधूरी हैं, और इसीलिए वे उनसे बहुत अजीब अजीब से क्रॉस क्वेश्चंस किया करते थे, जिसकी वजह से टीचर्स भी उनसे बहुत चिढ़े हुए रहते थे और आइंस्टाइन को उन्होंने मंदबुद्धि भी कहना शुरू कर दिया था। बार बार मंदबुद्धि कहने के कारण आइंस्टाइन को एहसास होने लगा कि मेरी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है। और एक बार बात बात में उन्होंने अपने एक टीचर से पूछा कि सर, मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूं। टीचर ने एक लाइन में कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। टीचर की उन बातों को आइंस्टाइन ने अपने दिमाग में बिठा लिया और एक दृढ़ निश्चय किया कि अभ्यास के बल पर मैं एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। उसके बाद से तो मानो उनकी जिंदगी बदल गई, और अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास की मदद से उन्होंने मैथ और फिजिक्स में महारत हासिल कर लिया, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे अद्भुत खोज किए, जैसे सापेक्षता के सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा, गति प्रकाश के उष्मीय गुण और भी बहुत। आज घर बैठे हमें इंटरनेट के द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, उन सभी आविष्कारों में भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का महान योगदान है। उन्होंने दिखा दिया कि एक मंद बुद्धि व्यक्ति भी मेहनत, हिम्मत और लगन के बल पर इस संसार में कुछ भी कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दिमाग में ही पूरी रिसर्च को सोचकर पूरा प्लान तैयार कर लेते थे, जो कि उनके लैबोरेटरी प्रयोग से ज्यादा सटीक होता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। अमेरिकी सरकार आइंस्टाइन के टैलेंट से इतना डर गई थी कि उनके पीछे अपना जासूस लगाकर रखी थी, ताकि उनके रिसर्च का कोई गलत प्रयोग ना हो सके जो कि देश के लिए हानिकारक हो। यहां तक कि एक पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टाइन के 100 परीक्षण के दौरान उनका दिमाग चुरा लिया था, ताकि वह उनके बुद्धिजीवी होने का पता लगा सके।
आइंस्टाइन ने मानवता की भलाई और मनुष्य का जीवन अधिक सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।